कैसे? सत्रह अप्रैल 2019 से, और अभी मैं जो अपडेट लेके आया था वो ल्यूपिन लिमिटेड पे लेके आया था। आज मार्केट बंद है महावीर जयंती के चक्कर में, फेस्टिवल में के लिए, और कल मार्केट वापस खुला रहेगा थर्सडे, फ्राइडे फिर से बंद है। तो आज 17 तारीख को आप ल्यूपिन पे एक व्यू लो। ल्यूपिन बहुत अच्छा खासा, बहुत देर से गिरा हुआ है, बहुत दिन से गिरा हुआ है। इनफैक्ट 2015 से इसमें गिरावट ही है, 2000 के लेवल से अभी ये कहीं पे आकर के आज 832 के लेवल पे काम कर रहा है। कल के दिन देखेंगे तो 826 का लो बनाया, 844 का हाई बनाया, और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर की ओर ही क्लोजिंग दिया है। वॉल्यूम भी 13,38,479 का हुआ है, एवरेज वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। बाइंग सेंटीमेंट दोनों 50-50 है अभी तक, इसमें पता नहीं चल रहा बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखें तो शॉर्ट टर्म में 836 के जगह 832 का आपको क्लोजिंग दिया वॉल्यूम वेटेड एवरेज। मीन्स थोड़ा निगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है इसमें, हो आपको थोड़ा सा निगेटिविटी इसमें दिखती है वॉल्यूम वेटेड एवरेज में। और 52 वीक का है, 986 अभी बताया। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 2.77 है, डिलीवरी परसेंटेज 23-25-27% है, एवरेज 23 है, इंडस्ट्री पी 29 है। अगर डिविडेंड बोले तो 0.60% का है, सेल्स ग्रोथ 7% का है, डेब्ट 7 करोड़ का है, 7,000 करोड़ का है, ईपीएस नेगेटिव है, प्राइस टू कैश वैल्यू थोड़ा हाई है, प्रमोटर की होल्डिंग 46% है, ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन 15% है, फेस वैल्यू 2 रुपया का है, अभी चल रहा 832, हाई 986, लो 720। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक रेंज में फंसा हुआ आपको दिखेगा। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लें तो आप देखेंगे इसमें प्रमोटर 46.97 के साथ है, FI25 6.41, कोई भी शेयर इसमें गिरवी नहीं रखा गया है। रिकमेंडेशन भी देखेंगे तो 985 का है HDFC सिक्योरिटी का 7 फरवरी को, किसी का 850 का भी है, तो 985 का भी टारगेट है, 1000 का भी टारगेट है। यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल जी का 6 फरवरी 2019 को 1000 का टारगेट है इसका। तो ये रिकमेंडेशन भी आ गया आपको। NSE पे जो देखें, जहाँ NSE पे आप देखेंगे लास्ट, आपको मैं अगर कुछ दिनों का डाटा दिखाऊँ, 2 वीक्स का डाटा दिखाऊँ आपको, तो आप देखिएगा वहाँ पे कि जहाँ 26 लाख का वॉल्यूम हो रहा था, 25 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 18 लाख, 22 लाख, 19 लाख, 8 लाख, 43 लाख, 7 लाख, तो जो 12 अप्रैल को 43 लाख का हुआ उसका 7 लाख का, उसके बाद 13 लाख का, और 43 लाख पे जो प्राइस थी 800, उसको वॉल्यूम 832 ऊपर की ओर गई, उसके बाद 7 लाख का हुआ नीचे की ओर गया, फिर 13 लाख का हुआ न्यूट्रल रहा 832, फिर आज ऊपर की ओर गया है वॉल्यूम गया है। डिलीवरी परसेंटेज 23% है, डिलीवरी जो रहा है 8 लाख, 9 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 13 लाख, 1 लाख, 5 से 6 लाख की डिलीवरी जा रही है। NSE पे अगर इसको देखने की कोशिश करें, निफ्टी फार्मा के कंस्टिट्यूशन को देखे करें, तो लास्ट जो क्लोजिंग हुआ है 16 तारीख को, तो आपको देखेंगे एडवांस 4 थे, डिक्लाइन 6 थे। जो डिक्लाइन था डिवीस लैब सबसे ज्यादा निगेटिव था, और डॉक्टर रेड्डी सबसे ज्यादा गेनर था। अगर मैं इसका ल्यूपिन की बात करूं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जब ये यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा था, ये नीचे की ओर जा रहा था, डाइवर्जन था, उसके बाद ये ऊपर की ओर गया था, लेकिन ये छूट गया, तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अब यहाँ पे भी देखिए RSI जो है 67% है, तो हो सकता है कि आपको 70-75 जो कि अर्लियर गया हुआ है 80 तक, तो यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखेगा, और ये अच्छा खासा एक W पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे भी एक W पैटर्न है, और ये W पैटर्न को पूरा फॉलो करता है। अब देखेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न इसका W है, और ये आप शुरुआत से देखिए, आप कहीं पर भी देखिए पूरा W पैटर्न पर काम करता है, ये हार्मोनिक पैटर्न है इसका W। यहाँ पे भी देखिए आप, ये W है, अब इधर भी देखिए, यहाँ यहाँ पे भी देखिए, तो ये W है, ये W पैटर्न को पूरा फॉलो करता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो अगर ये फॉलो करता है W पैटर्न को, तो कहीं ना कहीं 900 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। अगर मैं इसको आवरली बेसिस पे देखूं, तो आवरली बेसिस पे क्या हो रहा था,
लास्ट आवर में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ थ्री ब्लैक रोज जैसा कैंडल बना, थ्री डाउन बना, और उसके बाद यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल बना और ये हैंगिंग आउट की पोजीशन पे है। तो अगर ये किसी तरह से 825 के लेवल को तोड़ता है, 820 समझ लीजिए, 825 820 के तोड़ता है, तो हो सकता है कि आपको ये नीचे की ओर जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो अपसाइड था, अपसाइड कहाँ जा सकता है, 887 900 तक जा सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ से ऑलरेडी अपसाइड लिया हुआ 725 से ऊपर जा रहा है, और ऑलरेडी ये 725 से 840 844 का 850 का हाई बना चुका है, इसको 900 की ओर जाना है। ऑलरेडी W पूरा कंप्लीट होने के लिए इसको तो यहाँ तक आना चाहिए, 850 से 890 तक आना चाहिए, और नहीं करता है, नीचे की ओर जाता है, ऐसा लगता नहीं है कि नीचे की ओर जाएगा, तो आपको 825 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 825 रुपये के आसपास। देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है 825 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने पुराने हाई को जो 850 से पहले 843 और फिर 890-95 की ओर जाएगा। इसको मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखूँ तो आप देखेंगे जब ये अपना हाई बनाता है ऊपर की ओर जाके हाई बनाता है, 845 का बनाता है, 844-825 का, उसके बाद ये एक फॉलिंग बटन पे रहता है आवरली बेसिस पे 5 मिनट के कैंडल पे, और नीचे जाकर के यहाँ पे जाकर के रुकता है, और यहाँ से लास्ट मिनट में वापस एक बाइंग सेंटीमेंट से ऊपर इसको कवर करते हुए बाई आती है। तो कहीं ना कहीं इसमें 5 मिनट के कैंडल पे भी जो दिख रहा है एक छोटी सी बाइंग आ रही है, और न्यूज ये आया था लास्ट मोमेंट पे कि ल्यूपिन गेट्स FDA अप्रूवल फॉर फ्लुरोक्साइड टेबल USP। ये सिर्फ इसी के लिए इसका मैसेज नहीं आया था, बल्कि आप देखेंगे तो इसका कंटिन्यू ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, या जब 725 से चल रहा था तब पहला न्यूज इसका एक आया, इंडियाज ल्यूपिन लॉन्चेज फ्लुरोक्साइड टैबलेट, फिर न्यूज आया ल्यूपिन गेट्स FDA अप्रूवल फॉर टेस्टोस्टेरोन जेल, फिर अभी एक न्यूज आया है, और ये हर एक बार एक न्यूज के बाद थोड़ा अपसाइड लेता है, ऊपर की ओर लेता है। तो ऐसा दिखता है कि ये एक बार आपको 900 की ओर जाता हुआ दिखेगा, 825 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लॉन्ग टर्म से अभी हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पिटाई इसकी हुई है, 3 ईयर्स के बेसिस पे देखेंगे, अगर सेक्टरल की बात करो, पूरा फर्मा जो की बात करो, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ था ल्यूपिन में हुआ था 47% का, 1 ईयर में अभी इसने 5% का गेन दिखाया, और अभी कंटिन्यू 1 मंथ 1 वीक और डेली से ल्यूपिन चल रहा है, और ल्यूपिन को देखेंगे अभी यहाँ पे आपको 15 मिनट के पॉइंट पर सेल बताता है, 5 मिनट में न्यूट्रल है, आवरली और डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 900 की ओर आपको जाता हुआ कमिंग डेज में दिख सकता है। इसमें जो 2 शेयर जो सबसे ज़्यादा गिरे थे ल्यूपिन और शर्मा, जो 44% का आपको निगेटिव रिटर्न है, तो हो सकता है यहाँ दोनों में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा बनते हुए दिखे। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ था बायोकॉन में 233% का, कहीं ना कहीं आपको इस सेक्टर में बायोकॉन में धीरे धीरे अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पिरामल इंटरप्राइज और बायोकॉन में आपको प्रॉफिट बुकिंग की, और हो सकता है डिविज लैब भी प्रॉफिट बुकिंग में आगे जाए, लेकिन इसने अच्छा रिटर्न अभी तक दिया नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फार्मा सेक्टर पे आपको ल्यूपिन और सन फार्मा दोनों को आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, और उसमें सबसे अच्छा जो रिटर्न दे रहा है वो ल्यूपिन दे रहा है, और हाईएस्ट फॉल 3 साल का इसमें है, तो आप कहीं ना कहीं इसमें आप व्यू रख सकते हैं ल्यूपिन की ओर, कि ल्यूपिन कहीं अपसाइड आपको हो सकता है 900 की ओर, 925,000 की ओर जाते हुए आगे डेज में आपको दिखे। ल्यूपिन में आपको कहीं ना कहीं सेक्टरल चेंज अगर होगा, फार्मा में आएगा जब मार्केट डाउन साइड जून से जाएगा, तो हो सकता है जून में इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट बहुत हाई जा चुका ऑलरेडी, तो जून में जब फॉल आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक सेफ सेक्टर होता है फार्मा, वहाँ पे ल्यूपिन फार्मा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए दिखेगा, ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, ये सब आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे उस समय। और जो सबसे ज़्यादा उसमें भी फार्मा में बायोकॉन और पिरामल चले हुए हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जून के बाद के जब मार्केट गिरेगा, तो मुझे ऐसा फील है कि शायद ल्यूपिन और सन फार्मा में आपको थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है।
उस समय अगर सेक्टरल की बात करें तो हो सकता है ये सेक्टर परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकता है। अगर निफ्टी 50 की बात करें अभी, अगर मैं ओवरऑल इंडिसेस की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, तो आप देखेंगे जो अभी लास्ट वीक में परफॉर्म कर रहा था, जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑटो किया 3.92, एफएमसीजी 2.49, बैंक भी अच्छा परफॉर्म किया, बैंक तो सॉलिड परफॉर्म कर रहा है अभी। जैसा आपको पहले बताया था कि ये 30,900 और 31,500 की ओर जाता हुआ आपको दिखे तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ये वैसे ही जा रहा है। पावर सेक्टर भी अच्छा कर रहा था, इंफ्रा भी अच्छा कर रहा था। जो नहीं अच्छा कर रहा था डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस में, जो परफॉर्मा में इंडेक्स बेसिस पे, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लूजर जो है 16% का लूजर है फर्मा 3 साल के बेसिस पे। और अब देखेंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीकली मंथली बेसिस पे इस पर थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रहा, बट अभी भी कंप्लीट रूप से आया नहीं है। तो हो सकता है कि फर्मा आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आगे के लिए दे सकता है, आगे के लिए हो सकता है कि ये बहुत अच्छा चले फर्मा 2-3 महीने के आगे से, अगर सेक्टरल चेंज आए तो। फर्मा में जो 16% की आपको गिरावट दिख रही है, हाइएस्ट गिरावट दिख रही है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा निफ्टी बैंक ऑलरेडी 3 ईयर्स में 88% और रिलेटिव 58% मेटल दे चुका है गेन, तो बैंक में कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बैंक कितना चलेगा वो नहीं मुझे, लेकिन बैंक को एक बार प्रॉफिट बुकिंग आगे जाके आने वाली है। तो बैंक सेक्टर में आगे के लिए पोजिशनल जो भी आप बना कर रखे बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर स्क्रिप्ट बेसिस पे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लुपिन में अगर हम देखें, वापस मैं आपको लुपिन दाऊँ, तो अगर मैं इसको डेली वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करूँ तो वीकली बेसिस पे कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। और ये अपने वीकली बेसिस पे आप देखें तो यहाँ से एक ऊपर की ओर गया है, और हर वीक में एक ऊपर की ओर ये बढ़ते जा रहा है 725 से, और कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे जा करके 886 और ऊपर कहे तो 957, 886 900 की ओर वीकली बेसिस पे जाते हुए आपको दिखे तो कोई सरप्राइज नहीं। मंथली बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे आके एक स्टॉप ले लेता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 725 पे, मंथली बेसिस पे बाय डिफ़ॉल्ट 725 पे इसको स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर आप एक रेंज बाउंड भी का और यहाँ पे आपका डबल बॉटम आ जाता है तो यहाँ से उठ के वापस ये एक जाता है 945, तो ये रेंज बाउंड में आप कह सकते हैं 725 से 945 का रेंज बाउंड है। जब ये तोड़ेगा तो जिस साइड निकलेगा ये आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए देगा, नीचे जाएगा तो नीचे भी तोड़ सकता है आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट, और ऊपर जाएगा तो भी 150 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो लुपिन में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या आप इसके रेंज को जान लें 725 से 945, यह रेंज में लुपिन अभी रह सकता है, बट जब भी ये निकलेगा अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा। मेरे अंदाज से आगे फर्मा में आपको 725 के राउंड में इसको बाय करना चाहिए और 945 के राउंड में इसमें आपको वॉचलिस्ट रखना चाहिए। अगर किसी की पोजीशन है इसमें ऑलरेडी है तो आवरली बेसिस पे, जब मैं आपको बताया था कि आपको यहाँ पे आवरली बेसिस पे देखेंगे तो 827 825, तो 825 के स्टॉप लॉस आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आप हो सकता है मेंटेन कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ब्लैक कॉक बनने के बाद इंडिसिसिव न्यूज आने के बाद इंडिसिसिव कैंडल बना तो हो सकता है कि ये वापस आपको पहला 845 फिर 900 945 को जाता हुआ दिखे विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 825। 825 फॉल करता है तो हो सकता है फिर आपको नीचे गिरावट की ओर दिखने को मिल सकती है, इसके चांसेस कम है, लेकिन जो ये अपसाइड है ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगा जब तक ये एक बार अपसाइड 887-890 टच नहीं करता है, डब्ल्यू पैटर्न को ये कंप्लीट नहीं करता है, इसको नीचे आना नहीं चाहिए। अगर ऑप्शन चेन की बात करें, लुपिन में जाएं ऑप्शन चेन की बात करें, एक बार इंडेक्स की बात करें तो इक्विटी डेरिवेटिव में इसको अगर जाके देखने की कोशिश करें लुपिन में क्या स्टेटस है इसका, तो लुपिन में अगर हम 831 के 16 अप्रैल को 3:30 बजे जो क्लोजिंग हुआ 831 का है, और इधर पुट्स है इधर कॉल्स है, एट द मनी जब जाके देखे 830 पे,
तो आप देखेंगे यहाँ पे 39,000 का है, 840 पे 1,94,000 का नीचे की ओर से अनवाइंड हो रहा है और ऊपर की ओर पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे प्राइस पैटर्न में निगेटिविटी आ रही है। और 830 पे अगर देखें तो 39,000 है कॉल की ओर, और इधर है आपको 85,000 पुट की ओर। बट आप देखेंगे जहाँ कॉल में अनवाइंड हो रहा है वहाँ पुट में पोजीशन बन रहा है, मीन्स 810, 820, 830 पे पोजीशन बना रहे हैं और 800 के पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर शॉर्ट करते हुए नीचे की ऊपर की ओर जा रहा है, 840 की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पे भी पोजीशन ऊपर की ओर 900 तक की बाइंग आ रही है। तो ये जो शॉर्ट करके पहले बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन को निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, या जो राइट करके रखे थे वो बाहर कर निकल रहे हैं, जो शॉर्ट करके इसको रखे थे वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन इसको देखेंगे यहाँ पे 840, 850, 860 सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 1,14,800, 1,01,000, 1,94,000, और वहाँ पे देखें तो 800 के पास इसको अच्छा खासा सपोर्ट है 2,16,000 का। फिर भी यहाँ से भी आप देखेंगे पोजीशन अनवाइंड होकर के 32,000 नीचे की ओर पोजीशन अनवाइंड हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर न्यू पोजीशन बना रहा है, शॉर्ट बना रहा है, 800, 810, 820, 830 पे न्यू पोजीशन बना रहा है। और आईबी भी देखे थे यहाँ 22% के आसपास दिख रही है, तो दोनों सेम ही है प्राइस पैटर्न के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से भी कॉल पुट, यहाँ पे पोजीशन दोनों तरफ से अनवाइंड हो रही है, यहाँ कॉल में ऊपर की ओर बन रही है बट 1.60 रुपये का प्राइस वैल्यू है, बट यहाँ पे जो पुट की ओर है प्राइस ज़्यादा टूट रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पुट पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और कॉल में लॉन्ग की पोजीशन बन रही होगी, तो ये ऊपर की ओर प्राइस एक्शन में आपको शॉर्ट नहीं होगा 840, और होगा तो अनवाइंड होते हुए दिख रहा होगा आपको। यही कारण है कि यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट था तो अनवाइंड भी दिख रहा है आपको, 820, 830 पे अनवाइंड की पोजीशन दिख रही है आपको, पहले यहाँ पे कॉल पे शॉर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं यही भी यहाँ पे भी ये 900 की ओर जाते हुए जो आपको दिख रहा है, 91,700 का, और यहाँ पे 1,400 का एडिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 900 की ओर जाते हुए आपको यहाँ पे भी इससे समझ में आता है ये 900 की ओर पोजिशन जा सकता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पुट की ओर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 800 पे 2,16,000 का, 800 पे इधर 3,63,000 का है कॉल की साइड में, तो 800 का एक लेवल है जो इम्पोर्टेंट है, जिस साइड जाएगा वहाँ से नीचे की ओर जाएगा, इसलिए मैंने आपको 820, 825 भी बताया था। 800 का लेवल आप वॉच लिस्ट में रखिए, जो भी लेवल जिस साइड में जाएगा उधर से 100 पॉइंट आपको दे देगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है न्यूज़ भी जस्ट आवरली बेसिस पे आया था, तो 30 मिनट के कैंडल पे जब देखेंगे तो वहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना था, उससे लगता है उस न्यूज़ से ये एक बार हो सकता है लास्ट मोमेंट पे 30 मिनट्स पे आया था, तो 30 मिनट के जो कैंडल, इसलिए यहाँ पे प्राइस पैटर्न फॉलो आपको शॉर्ट किया था तो वो अनवाइंड करके निकल रहे होंगे और ऊपर की ओर पोजिशन बना रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको 890, 900 तक जाते हुए आपको दिख सकता है, 880 तक जाते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है नहीं, ऊपर एकदम ओपन डोर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं है, आराम से ये ऊपर की ओर जा सकता है। बट यहाँ पे जो देखेंगे वॉल्यूम की भी कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे पुट में ज़्यादा वॉल्यूम के साथ शॉर्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्क, ये एजम्पशन है ये ऊपर की ओर आपको जा सकता है। ल्यूपिन में एक पॉजिटिव बाइंग के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं, मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन हो सकता है मेरा गलत हो जाए, तो इसके लिए आप कोई भी मार्केट में पोजीशन नहीं बनाए, पेपर ट्रेड करें, एनालिसिस करें, और मार्केट में अगर ट्रेड करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत